वर्तमान सरकार जो आपका अपेक्षित सहयोग करती है, फिर भेदभावपूर्ण रवैया है। कांग्रेस पार्टी की तरह सर्कस वाली पार्टी नहीं है, समाधान करेंगे। सर, आने वाले समय में अगर भाजपा सत्ताधारी पार्टी बन पाती है तो सर मुख्यमंत्री का दावेदार चेहरा? सरकार सिर्फ अपने विधायकों को खुश करने के अंदर लगी हुई है। राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा विधायक जो चाहे जायज नाजायज सारे कामों को करने में लगे हुए हैं। और सर उन्होंने आपके बारे में कहा सर कि वो तो अभी बच्चे हैं, उनको अभी सीखने की जरूरत है। विधायक से मिलने के लिए एक जरिया होना चाहिए, डायरेक्ट कोई विधायक से मिल नहीं सकता है। क्या ये द्वेषपूर्ण राजनीति की वजह से? नगरपालिका क्षेत्र में भीषण पानी की समस्या उत्पन्न हो चुकी थी और जयपुर विकास प्राधिकरण से 36 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया गया। और सर बाजोड़ साहब विधायक, पूर्व विधायक रहे, उन पे भी हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। अधिकारियों का जो रवैया है वो भेदभावपूर्ण तरीके से रहता है। सर वर्तमान में गुटबाजी के मामले में भाजपा की स्थिति भी कांग्रेस के जैसी ही है, व्यक्ति नहीं है। सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है या फिर जो अपने युवा है प्रतिभावान युवा साहब? देखिए राजस्थान में जंगल राज की स्थापना हो चुकी। नमस्कार, मैं रितेश पारिक, स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व चोमो विधायक श्रीमान रामलाल शर्मा के साथ। इनके बारे में कहा जाता है कि युवा इनको काफ़ी पसंद करते हैं और युवाओं के साथ युवा व बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बनकर जनता के बीच ये रहते हैं। तो ये मिलवाते हैं आपको सरल, साधारण, मृदुभाषी व ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रामलाल शर्मा से। सर स्वागत करता हूं आपका द उड़ान साथ साथ के मंच पे। धन्यवाद सर, आप प्रदेश में अभी प्रवक्ता हैं भाजपा के, विधायक है चौमू से। अतः सर आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे और कहां से हुई सर? जब चौमू से निकल कर और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो संगठित कॉलेज है राजस्थान कॉलेज में जब एडमिशन 92 के अंदर लिया, उसी समय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आना हुआ और विद्यार्थी परिषद में काम करने करते करते छात्र संघ के चुनाव भी लड़े और उसके बाद में 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चौमू से उम्मीदवार बनाया और उसके बाद में मेरी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करने का एक अवसर मिला। सर आपके विधायक बनने के बाद ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं विकास के जिन्होंने आप जिनको आपने प्राथमिकता से पूर्ण किया सर? जब 2003 के अंदर मैं पहली बार विधायक बना तो पहले विधायकों के बारे में ये सोचती कि विधायक उम्रदराज व्यक्ति होता है, विधायक से मिलने के लिए एक जरिया होना चाहिए, डायरेक्ट कोई विधायक से मिल नहीं सकता। तो उस नज़रिए को बदलने का काम हमने किया 2003 के बाद में, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो, उनके अंदर सरलता के साथ सुलभ तरीके से उपलब्ध होना, ये हमारी प्राथमिकता रही। और 2003 से लेकर लगातार चौमू की जनता के संपर्क में हम रहे और उसी का परिणाम है कि चौमू की जनता ने तीसरी बार मुझे विधायक बनने का अवसर दिया। सर आप तीसरी बार विधायक बने हैं तो सर आपने अपने क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं, और सर मेन मुख्य आपके पेयजल की समस्या है जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो सर उसमें आपने किस प्रकार से सुधार किए हैं? चौमू के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या जो थी वो सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सड़कों का संपर्क सड़कें नहीं थी और हमने पिछले साल भी लगभग 100 किलोमीटर सड़कें तो सिर्फ कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से बनाई, PWD के माध्यम से भी सड़कें बनाने का काम किया, माइनिंग डिपार्टमेंट से भी कुछ पैसे लेके गए, उनसे भी हमने सड़कें बनाई। तो जहाँ से पैसा हमें मिल सकता था वहाँ से पैसे लेके सड़कों का एक जाल बिछाने का काम किया। पेयजल के क्षेत्र के अंदर भी जो राज्य सरकार के द्वारा स्कीमें जो आती थी उन स्कीमों को भी धरातल तक पहुँचाने का काम किया। साथ में चौमू नगरपालिका क्षेत्र में भीषण पानी की समस्या उत्पन्न हो चुकी थी और जयपुर विकास प्राधिकरण से 36 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करा के गुवाड़ी और जयसिंहपुरा से और बलेखंड से पानी लाकर चौमू की जनता को पिलाने का काम किया। पहले 2003 से पहले सिर्फ 3 टंकियाँ बनी हुई थी पानी के पेयजल स्रोत की आपूर्ति करने के लिए, उसके बाद 6 टंकियाँ हमने पिछले कार्यकाल के अंदर बनाई। अब नगरपालिका क्षेत्र के अंदर 9 टंकियों से हम पेयजल आपूर्ति करते हैं और पानी चौमू की जनता को पिलाने के लिए बाहर से पाइपलाइन के माध्यम से लेकर आते हैं। सर आपके प्रयासों से वीर हनुमान मंदिर सामोत में रोपवे लगा था सर, फिलहाल सर लंबे समय से 2 साल से रोपवे बंद है सर, तो क्या कारण है इसके पीछे? जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा वीर हनुमान जी के खोल के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने घोषणा की थी कि जयपुर के खोल का निर्माण जिस तर्ज के ऊपर हमने किया है उसी तर्ज के ऊपर हम सामोद के वीर हनुमान मंदिर का भी हम विकास करेंगे और उन्होंने करीबन 22-23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जिसके अंदर धर्मशालाएँ बनी, रोड भी बनी, लाइटें बनी, पेयजल की समस्या का वहाँ समाधान हुआ और एक प्राइवेट कंपनी के साथ मंदिर कमेटी ने MOU किया था और उसके आधार के ऊपर रोपवे भी लगा। लेकिन राज्य सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से पिछले 1.5 साल से रोपवे बंद पड़ा है। जब कंपनी ने न्यायालय के दहलीज के ऊपर दस्तक दी उसके बाद न्यायालय के आदेश से अब लग रहा है कि 1 या 2 महीने के अंदर वापस रोपवे की सेवाएं आम जनता को मिलेगी, लेकिन सरकार की बदनीति और अधिकारियों की संकुचित विचारधारा
के आधार के ऊपर जो रोपवे 4-5 महीने तक लगातार चला उसको बीच में बंद करना, मेरे ख्याल से सरकार की कार्यशैली के ऊपर भी ये सवाल निशान लगाते हैं कि जो जनता के काम आने वाली चीज़ों के ऊपर भी इस तरीके से रोक लगाए। तो क्या ये द्वेषपूर्ण राजनीति की वजह से? मैं तो यही मान के चलता हूँ कि जब सरकार कांग्रेस की बनने के बाद में उसकी शुरुआत हुई, 3-4 महीने तक लगातार रोपवे चला, उसके बाद में बीच में बंद करना, तो या तो सरकार की अगर कमी खामी थी तो उसी समय दुरुस्त करना चाहिए, बीच में बंद करने का कोई सवाल नहीं है। तो सर फिर विकास के कार्य जो आपके क्षेत्र में होते हैं उनमें सरकार, वर्तमान सरकार जो आपका अपेक्षित सहयोग करती है, फिर भेदभावपूर्ण रवैया रहता है सर? देखिए, अधिकारियों का जो रवैया वो भेदभावपूर्ण तरीके से रहता है। सरकार सिर्फ अपने विधायकों को खुश करने के अंदर लगी हुई है। राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा विधायक जो चाहे जायज नाजायज सारे कामों को करने में लगे हुए हैं, लूट राजस्थान की संपदा को लूटने में लगे हुए हैं सब के सब। और ये दृश्य सिर्फ एक विधानसभा का नहीं, ये सारी विधानसभाओं की स्थिति ऐसी है। कांग्रेस के खुद के सीनियर लीडर इनकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा चुके हैं। भरत सिंह जी जो संघों से आने वाले विधायक हैं उन्होंने सरकार को कई बार कहा, हेमाराम जी इस सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट होके रिजाइन तक दे चुके हैं। तभी वो पृथ्वी मीणा जी आरोप लगाते हैं कि 2.5 साल के अंदर एक डेरे का विकास का काम नहीं हुआ। तो सरकार कैसा काम कर रही है वो तो इनके विधायक ही गुणगान कर रहे हैं। सर वर्तमान में गुटबाजी के मामले में भाजपा की स्थिति भी कांग्रेस के जैसी ही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन के लिए सब कुछ हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है और ये गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस का शासन है। कांग्रेस अपने जायज नाजायज संबंधों का इस्तेमाल करके और इस तरीके का मैसेज देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की तरह सर्कस वाली पार्टी नहीं है कि जो आया वो अपने बोरिया बिस्तर साथ लेकर आया, गया तो वो बोरिया बिस्तर साथ लेकर चला गया। यहाँ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है और उस दायित्व का निर्वहन वो कार्यकर्ता अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ वो करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमुखी है और सब एकमत हो कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे लेकर जाएं इसके लिए काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर रोहिताश शर्मा को भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, तो उनका कहना है कि द्वेषपूर्ण राजनीति मतलब व्यक्तिगत रंजिश के चलते उनके साथ ऐसा हुआ। और सर उन्होंने आपके बारे में कहा सर कि वो तो अभी बच्चे हैं, उनको अभी सीखने की जरूरत है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, रोहिताश जी मेरे से उम्र में कई वर्ष बड़े हैं और मैं तो उनके बच्चे के समान ही हूँ। वो बच्चा अगर कह रहे हैं मेरे को तो वो ठीक कह रहे हैं, अपने बच्चे के हिसाब से कह रहे हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में रोहिताश जी ने 2 चुनाव जीते हैं, ये मैं तीसरी बार विधायक हूँ। और रोहिताश जी को अगर कोई परेशानी या पीड़ा है या कोई तकलीफ है तो उनको पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर कहनी चाहिए। कभी भी ऐसा कृत्य किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो या पार्टी की छवि खराब हो। तो रोहिताश जी को बार बार चेतावनी भी दी गई लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो कार्य है वो कार्य पार्टी को नुकसान करने वाला था, इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो उससे समझा वो कार्रवाई की। सर प्रदेश में वर्तमान में आपराधिक घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है सर, अभी अपने देखा पुलिस कांस्टेबल पे भी हमला हुआ और सर बाजोर साहब विधायक पूर्व विधायक रहे उन पे भी हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण आप वर्तमान जो प्रदेश की कानून व्यवस्था उसको किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, एक तो होता है कि शासन के विरुद्ध अंतरात्मा में कोई पीड़ा हो और उस पीड़ा के अभिव्यक्ति के लिए लोग स्वाभाविक रूप से आंदोलन करें, और एक होता है कि आंदोलन को जनरेट करना। तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश के अंदर जो आंदोलन है वो जनता के या किसानों के मन की अभिव्यक्ति नहीं है, ये मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं है, ये एक जनरेट किया हुआ आंदोलन है। और उस जनरेट किए हुए आंदोलन के अंदर राज्य सरकार जिस तरीके से आंदोलनकारी लोगों को सारी सुविधाएं दे रही है, उनको भोजन कराने का काम कर रही है, लाइट देने का काम कर रही है, उनको पानी उपलब्ध कराने का काम कर रही है और उनको कह रही है कि तुम तो बैठे रहो, सिर्फ सरकार का विरोध करते रहो, सारी सुविधाएं हम देने का काम कर रहे हैं। तो ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो जनरेट किया हुआ आंदोलन है, ये पीड़ा किसी की अभिव्यक्ति का आंदोलन नहीं है। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार का कृत्य प्रेम सिंह जी बाजोर जी के साथ किया है मैं उसकी निंदा करता हूँ, कठोर शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। और आशा उम्मीद करता हूँ कि एक ऐसे व्यक्तित्व का धनी जिसने अपनी जेब से पैसा खर्च करके शहीद परिवारों को मान सम्मान दिलाने का काम किया, वर्षों तक जमीन सरकार आवंटन नहीं करती थी, मूर्ति लगाने का काम नहीं करती थी, उन परिवारों के साथ संभाल करने का काम नहीं करती थी, इन सरकार कभी उन परिवारों के दहलीज के ऊपर नहीं गई, उन्होंने प्रेम सिंह जी बाजोर ने एक यात्रा इस प्रकार की निकाली कि शहीदों के परिवार की दहलीज तक वो जाएंगे, उनके सुख दुख पूछेंगे, बातचीत उनसे करेंगे और वो पूरे राजस्थान के शहीद परिवारों तक गए। जब सैनिक कल्याण बोर्ड के जब अध्यक्ष थे, कई परिवार ऐसे थे कि जिन परिवारों के शहीदों की मूर्तियां नहीं लगी थी, उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके मूर्ति लगाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें मेरे ख्याल से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये असामान्य और विकृत मानसिकता के व्यक्ति कर सकते हैं।
और सर प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? दिनों दिन अपराध बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान में जंगल राज की स्थापना हो चुकी है, कानून का राज खत्म हो चुका है, डर किसी के मन मस्तिष्क में नहीं है, जिसके मन में आया वो वैसी अराजकता करने में उतारू है, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी लोग कर रहे हैं, सरकार अंकुश लगाने में नाकाम है। सरकार आगे की विल पावर है तो सरकार कहे कि नाबालिग बच्चियों के साथ अगर कोई घटना घटती है एक महीने के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एक महीने के अंदर अंदर उसका चालान पेश किया जाएगा और अपने न्यायिक क्षेत्र के अंदर भी सरकार पाबंद करें कि एक महीने के अंदर न्याय प्रदान करने का काम करें। जब आप न्याय जल्दी प्रदान करने का काम करोगे तो लोगों के मन में डर और भय बैठेगा। अब आप न्याय की प्रक्रिया इस प्रकार की बना रखी है कि अपराधी अपराध करने का कृत्य आज कर रहा है और जब निर्णय होगा तो वो होगा 15 साल 20 साल बाद में, और 20 साल बाद में उसको सजा मिलेगी वो बरी होगा, ये न्यायिक प्रक्रिया ठीक नहीं है। सर अभी RPSC में RS का जो सिलेक्शन हुआ उस प्रकरण के मामले में आपने शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफे की मांग की है, सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है या फिर जो अपने युवा हैं प्रतिभावान युवा उनके साथ अन्याय हुआ है? देखिए राजस्थान के लाखों युवाओं की आवाज़ है और लाखों युवा इस बात को मानते भी स्वीकार भी करते हैं कि पारदर्शिता के साथ जो एग्जाम होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अब उसकी प्रक्रिया के अंदर कोई कमी खामी है तो उसको बैठ कर दुरुस्त करना चाहिए, या जो लाखों युवा आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं तो उन युवाओं को भी संतुष्ट करने के लिए कोई उनके सामने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसके आधार पर उनको लगे कि नहीं साहब जो काम हुआ है वो फेयर तरीके से हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया के अंदर कोई लकुना जरूर है ताकि लाखों लोगों के मन के अंदर जो आक्रोश है उस आक्रोश की अभिव्यक्ति आने वाले समय के अंदर सड़कों के ऊपर भी दिखेगी। सर अभी पायलट और गहलोत साहब के बीच जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है सर, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से प्रदेश की जनता को खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है? देखिए 2.5 साल के अंदर सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का काम हुआ है, ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं के समाधान की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। एक भी कांग्रेस का विधायक या एक भी कांग्रेस का नेता मंत्री हो चाहे इनके संगठन के अध्यक्ष हो, वो ये बात नहीं कह रहा कि जनता में लाखों रुपए की VCR भरी जा रही है वो बंद होनी चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा कि बिजली के दरों के अंदर बढ़ोतरी हुई है वो बंद होनी चाहिए, कोई भी इनका कांग्रेस का विधायक ये नहीं कह रहा कि गाँव के अंदर पानी की समस्या है वो समाधान होना चाहिए वो नहीं कर रहा। इनकी सरकार जो घोषणाएं करी है उनकी घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई मांग नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी घोषणाएं विधानसभा के अंदर बजट के दौरान करते हैं, अन्य समारोह के अंदर करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। सर अभी जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए हैं उसका विरोध समूचा विपक्ष कर रहा है और किसान संगठन भी कर रहे हैं, सर फिर भी सरकार पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है? सर सरकार पीछे हटने का काम इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार ने कहा है कि आप टेबल के ऊपर बैठ के आप ये कहो कि साहब इस कानून की इस धारा से किसानों का अहित हो रहा है, उस धारा को हम हटाने के लिए तैयार हैं, संशोधन क्या चाहते हो वो संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिद इस बात की करे कि नहीं कानूनी वापस लो तो ये तो संभव नहीं है। वो जिद के आधार के ऊपर लोकतंत्र या सरकारें या कानून के आधार पर चलती है, संविधान के आधार पर चलती है, जिद के आधार पर नहीं चलती। आज भी भारत सरकार की दहलीज के ऊपर सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आइए टेबल के ऊपर बैठिए और उनको संतुष्ट कीजिए साहब इस धारा से इन किसानों का अहित होने वाला है। जहां पहले इन्होंने किसानों को भ्रमित करने का काम किया कि MSP के ऊपर खरीद बंद हो जाएगी, जब भारत सरकार ने पूर्ण रूप से कह दिया कि MSP के ऊपर खरीद बंद नहीं होगी, उल्टा MSP की दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई, अब उन्होंने कहा कि नहीं साहब MSP तो आप बंद नहीं कर रहे, खरीद भी आप मूल्य बढ़ाकर कर रहे हो, लेकिन आप इन कानूनों को वापस ले लो, ये कोई आधार नहीं होता। सर आपके पास अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए इस पर ड्रीम प्रोजेक्ट है जिनको आप इस कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? सर मुझे नहीं लगता मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट इस कार्यकाल के अंदर पूरे होंगे, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम नहीं कर रही, इसलिए हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट तो इस सरकार में होने की संभावना ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उस समय हमारे सारे चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे मेडिकल हेल्थ की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, उन सब समस्याओं का हम समाधान करेंगे। सर आने वाले समय में अगर भाजपा सत्ताधारी पार्टी बन पाती है तो सर मुख्यमंत्री का दावेदार चेहरा कौन होगा? सर देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो तय करता है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और ये विषय संसदीय बोर्ड का विषय, इस विषय के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। सर आप अपने आप को भविष्य की राजनीति में कहाँ देखते हैं सर? क्या आपको मैं भविष्य की राजनीति के अंदर पार्टी ने जो मेरे को मान सम्मान दिया है वो बहुत बड़ा मान सम्मान है और ये मान सम्मान बस रहे इतना ही पर्याप्त है, बाकी और कोई जगह नहीं है। सर क्या आपका रुख केंद्र की ओर हो सकता है? नहीं कहीं केंद्र की तरफ नहीं है, राजस्थान के अंदर ही पार्टी के जो आदेश होंगे जो निर्देश होंगे उन निर्देशों की पालना करेंगे। सर आपको युवा काफी पसंद करते हैं तो सर जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी युवाओं के दरवाजे खुले हुए हैं,
सभी युवा भारतीय जनता पार्टी को जुड़े, एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन है, देश उसके लिए पहले है, बाकी चीज़ें सबके लिए बाद में है। अन्य पार्टियों में आप देखोगे तो किसी पार्टी के लिए परिवार का मुखिया ही सर्वोपरि है, परिवार के बाहर वो निकलना नहीं चाहते, वंशवाद की राजनीति वो लोग करते हैं। तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि जिसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अमुक व्यक्ति होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए सभी कह सकते हैं अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी हो सकती है, राहुल गांधी जी हो सकते हैं, सोनिया गांधी जी हो सकती है, राहुल गांधी जी की शादी होगी तो उनके बच्चे हो सकते हैं, कांग्रेस इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व चोमू विधायक श्रीमान रामलाल जी शर्मा से बात की, इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस अभी जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है इनके कार्यों में इनका सहयोग नहीं कर रही है और ये उम्मीद करते हैं अगली बार इनकी पार्टी सत्ताधारी पार्टी बन पाए, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। थैंक यू।